हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि आप पिक्सल लैब का ओल्ड वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे। बेसिकली होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां पे हमें पिक्सल लैब का लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होता है। और लेटेस्ट वर्जन का प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब आप पिक्सल लैब में कस्टम थंबनेल बनाने के लिए जाएंगे और जब आप पिक्सल लैब में जो है पीएलपी फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे तो जो पीएलपी फाइल आपने अपने फाइल मैनेजर गैलरी के अंदर स्टोर करके रखा होता है वो पीएलपी फाइल पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देगा तो आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर वन। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो भी थंबनेल आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर बना लेते हैं और उसे आप सेव करने के लिए जाते हैं तो थंबनेल को तो आप सेव कर लेते हैं, लेकिन जो पीएलपी फाइल जो फाइल मैनेजर के अंदर दिखाई देना होता है वो पीएलपी फाइल फाइल मैनेजर के अंदर शो नहीं करता है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों। और ये दो ऐसा कॉमन प्रॉब्लम्स है जो हमारे क्रिएटर्स भाई, हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, नए यूट्यूबर्स भाई हैं, वो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ही एक ही है सोल्यूशन, और वो ये है कि आपको पिक्सल लैब का ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना होता है। लेकिन हमारे क्रिएटर्स भाई को, न्यू यूट्यूबर्स को ये पता नहीं होता कि हम पिक्सल लैब का ओल्ड वर्जन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो भाई, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप पिक्सल लैब का ओल्डर वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे और पिक्सल वर्जन का जो प्रॉब्लम है पीएलपी फाइल्स को लेकर उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलो, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया था तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलो, आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे साइड में आप जो है मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो पिक्सल लैब का ओल्डर वर्जन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। मैं जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्रोम ब्राउजर में आने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना होगा कुछ इस प्रकार से। मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, आपको सर्च करना होगा पिक्सल लैब ओल्ड वर्जन डाउनलोड। बस आपको इतना लिख के सिंपली सर्च कर देना है, ठीक है दोस्तों। सर्च करने से यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है नंबर वन में, फर्स्ट नंबर में आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रहा होगा, uptodown.en.uptodown.com, मतलब pixellab.en.uptodown.com, मतलब ये पहले नंबर का जो वेबसाइट है uptodown, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसी वेबसाइट से दोस्तों आपको जो है पिक्सल लैब के बहुत सारे ओल्ड वर्जन आपको मिल जाएगा जो आपके मोबाइल के लिए कंपैटिबल रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इतना सारा यहाँ पे जो है पिक्सल लैब के ओल्ड वर्जन दिखाई दे रहे हैं। नीचे में जैसे मैं सी मोर पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ और जो है पिक्सल लैब का जो है बहुत पुराने वर्जन यहाँ पे खुल के सामने आ गया। देख सकते हैं जहाँ से पिक्सल लैब का जो पहले वर्जन से लेके पिक्सल लैब के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन तक हमको यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। इतना सारा एप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब इतना सारा इसके वर्जन्स हैं, ओल्ड वर्जन, ठीक है, पुराने से लेकर नए वर्जन यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है एकदम पुराना वर्जन डाउनलोड नहीं कर लेना है। मैं जैसे सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 1.9 दिखाई दे रहा है, ठीक है, या फिर 1.8.8, इस वाले वर्जन को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.8.8, ठीक है, इस वाले वर्जन पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस प्रकार से डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। देन दोस्तों, इस प्रकार से नया इसका पेज ओपन होके आ गया। यहाँ पे एक बड़ा बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सिंपली नीचे में डाउनलोड करके, ठीक है। यहाँ इस पर साइज़ भी दिखाई दे रहा है, तो देन इस पर सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ जो है आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप क्रोम यूज़ करेंगे दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा कि फाइल माइट बी हार्मफुल, ऐसा करके, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्रोम ब्राउज़र इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जब आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए जाएंगे गूगल से तो वहाँ पे दोस्तों ये सिक्योरिटी पर्पस से जो है क्रोम जो है आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप जो है बाहर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, यहाँ पे सिंपली आपको जो एक बटन दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एनीवे करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमारा जो एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं ऊपर में डाउनलोडिंग फाइल्स करके शो हो गया है। मैं इस पर डिटेल्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्सल लैब का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही दोस्तों ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लूँगा और इसको मैं रन कर सकता हूँ। तो दोस्तों सिंपली इसी प्रकार से आपको काम करना है। मैं इसको फिलहाल पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल में पिक्सल लैब का वर्जन जो है डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब इस वर्जन को डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। उससे पहले क्या करना है, आपको आपके मोबाइल में पिक्सल लैब का जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है उसको आपको हटा देना है, उसको अनइंस्टॉल कर लेना है। देन जो है आप जो है इस पुराने वर्जन को आप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद जो है दोस्तों आप जो है थंबनेल पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है पीएलपी फाइल्स को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वो इंपोर्ट कर पाएंगे, पीएलपी फाइल को सेव नहीं कर पा रहे थे वो सेव कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता
दोस्तों कि आप PPFL को कैसे सेव करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जो आप आई कार्ड में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको ये भी नहीं पता कि PPFL को भाई अगर आप जो है किसी दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, जैसे कि मान लीजिए मनोज जे सर का, आप जो PPFL को इम्पोर्ट करके उनके जैसे थंबनेल बनाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि PPFL कैसे इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है जिसका लिंक भी आपको आई कार्ड में और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप जो है बहुत ही अमेजिंग थंबनेल डिज़ाइन कर पाएंगे अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आप जो है PPFL के का ओल्ड वर्जन कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो फटाफट इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी प्रकार से यूट्यूबिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।